आप में जो है कि हम उसको अच्छे इसमें तब्दील कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। हमें करना है हमारे राष्ट्र के लिए अभी अमृत महोत्सव, उसी में हमने भी छोटा सा कंट्रीब्यूट दिया है। एक यहाँ से हमने नशा मुक्ति जन जागरण का अभियान भी चालू किया है, हम आगे भी प्रोग्राम करेंगे जन जागरण के लिए, नशा मुक्ति के लिए। आज का जो कार्यक्रम था, दसवीं और बारहवीं के जो बच्चे अच्छे परसेंटेज ला के जो हमारे शहर का नाम ऊंचा किया है, आज उनका हमने सम्मान किया था। जो है कि हम उसको अच्छे इसमें तब्दील कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। हमें करना है हमारे राष्ट्र के लिए। अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, आपने देखा होगा किस तरीके से सब पुलिस है, सभी एजेंसी सभी लोग काम कर रहे हैं, तो ये मौके पे आपने उसके ऊपर शपथ लेनी चाहिए, वोट लेना चाहिए कि भाई मैं ऐसा ऐसा बनना चाह रहा। आपको ये होगा कि मेरा टेंथ में मुझे मतलब 62.57 मार्क्स, उसमें भी इंग्लिश मेरा इतना पुअर था, मुझे 100 में से 35 मार्क्स। उसके बाद मैंने थोड़ी कोशिश की, बारहवीं में मुझे 62.57 मार्क्स और इंग्लिश में मुझे 38 है। इसके बाद मैं सीनियर कॉलेज में जब गया, मुझे लगा था मुझे अगर ये बनना है IAS बनना है, ये बड़ा बड़ा ऑफिसर, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ता गया और लास्ट ईयर में 72 मिले और मेरे पूरे आर्ट्स में मेरे यूनिवर्सिटी में टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट। आपको कोई सब्जेक्ट में जो मिलता है तो आप खुद कोशिश कीजिए, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है आपको धीरे धीरे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि मैं बताऊंगा किसी के साथ में ऐसा बताए, घर में चर्चा होगी सब होगी, लेकिन जो करना है आपको जो मोबाइल है उसके जरिए अच्छे अच्छे चीजें, अच्छे अच्छे जो रेफरेंस है वो आपको मिलते हैं। उसके बाद आपने जो पढ़ाई के बुक्स है वो अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझती है तो हमारे टीचर उनसे बोलना चाहिए। बाबा बहुत उम्मीदों के साथ आपके साथ अपने भावनाओं के साथ अपना पूरा जीवन बिता दे, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए हर एक कदम बहुत भूख भूख के रखना हमारा काम और ये जरूरी किया गया है। और 25 वर्ष महोत्सव का और जो नशा मुक्त अभियान का, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम था प्रमुख उपस्थिति में, आज़ादी के हम पूरा देश 75 साल मना रहे हैं, तो उसी में हमने भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूट दिया है। एक यहाँ से हमने नशा मुक्ति जन जागरण का अभियान भी चालू किया है, हम आगे भी प्रोग्राम करेंगे जन जागरण के लिए, नशा मुक्ति के लिए। आज का जो कार्यक्रम था, दसवीं और बारहवीं के जो बच्चे अच्छे परसेंटेज ला के जो हमारे शहर का नाम ऊंचा किया है, आज उनका हमने सम्मान किया था। तो हमने आज हमारे मेहमान थे इमरान शेख साहब और माननीय DCP साहब, उनकी भी उपस्थिति थी, बाबा भाई है और प्रमुख उपस्थिति और लोगों की भी थी। आज का कार्यक्रम दो मुद्दे पे हुआ है। नशे के लिए अब क्या करने वाले हैं, आपका क्या प्लान है? नशा मुक्ति पे हम लोग मोहल्ला मोहल्ला गली गली मतलब कार्यक्रम करेंगे, जन जागरण करेंगे, हम नशे के लिए जन जागरण करेंगे लोगों का।